What is logbook? How to make it? What to include? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल बिजी ब्रेन्स में। तो आज का ये वीडियो लॉगबुक के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हो। तो मेरी चैनल में यहाँ पे ऊपर आप जो थर्ड ऑप्शन है प्लेलिस्ट में जाके आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर 5 शीट्स के वीडियो और कैसे आपको रिपोर्ट बनाना है उसके ऊपर सारे वीडियोज़ पहले से अपलोड है, तो आप वहाँ जाके सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ आपको मेरी जो लॉग बुक मैंने बनाई थी अपने डोमेन बस स्टैंड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो उसका एक ओवरव्यू आपको दिखा दूंगा कि आपको क्या ऐड करना है और कैसे ऐड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी लॉग बुक के अंदर अपने डोमेन के बेस पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। उसके सॉल्यूशंस पहले से होने नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से उसके सॉल्यूशंस सोच के यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले छोटा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि आपका डोमेन क्या है और वो कैसे अफेक्ट कर रहा है अभी करंट सिचुएशन में, और उसके आपको मिनिमम 20 प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा लिखने हो तो भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ओवरक्राउडिंग, जो हमारा डोमेन है बस स्टैंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें ये मेन अभी इश्यू है कि ओवरक्राउडिंग बहुत ज़्यादा होता है, और उसका क्या सॉल्यूशन हम ला सकते हैं वो यहाँ पे आपको नीचे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ओवरक्राउडिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बसेस ट्रेन्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ड्यू टू ओवरक्राउडिंग सीनियर सिटीजन्स एंड वुमन डोंट फील कम्फर्टेबल वाइल ट्रैवलिंग, स्मॉल चिल्ड्रंस कैन स्टैंड एंड मे गेट हर्ट इन दी बस। और फिर आपको यहाँ पे उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको लगता है अपने हिसाब से वो लिख देना है। जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है टू इंक्रीज लेंथ ऑफ बस, बस लंबी कर देनी चाहिए, बसेस की क्वांटिटीज इंक्रीज करनी चाहिए। फिर यहाँ पे व्हेन रीच द प्री डिफाइंड लिमिट, मतलब पैसेंजर की एक लिमिट हो जाए उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ने चाहिए अंदर पैसेंजर्स, और टाइम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज कर देनी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंटली सब बसेस आती रहेंगी। ऐसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा और उसका सॉल्यूशन मेंशन किया। सेम प्रोसीजर आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स में करनी है। पहले आपको जो लगता है कि बैड वर्जन पब्लिक बस तो वो कैसे अफेक्ट करता है, और फिर उसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। ऐसे मैंने 21 प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको इस तरह से अपना जो डोमेन है जो आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर आपको लॉगबुक में क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, और आप डेट मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लॉगबुक आपको अपलोड करनी नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपका एक प्रूफ रहेगा कि आपने काम किया है अपने डोमेन पे, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड किए और उसके ऊपर सॉल्यूशंस भी आपने फाइंड किए हैं। तो इस तरह से आपको लॉगबुक बनानी है अपने डिज़ाइन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए और यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस भी लिख दिए हैं। तो ये सिर्फ आपको एक गाइड रहेगी कि आप कैसे सब इंक्लूड कर सकते हो, बाकी आप अपने प्रॉब्लम्स और अपने सॉल्यूशंस अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे मिनिमम 21 इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप 21 से भी ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो अपने हिसाब से। सो गाइज, इसके पहले मैंने डिज़ाइन इंजीनियरिंग की जो 5 शीट है और रिपोर्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा।